पहले चेन्नई फिर बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया बड़ा बवाल। चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की बड़ी बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, दो बड़े मुकाबलों के उलटफेर ने प्लेऑफ को हिलाकर रख दिया है। जैसे जैसे आईपीएल अपने एंड सीजन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तक तीन टीमों का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है, जिसमें कुछ टीमें जगह बना चुकी है तो कुछ ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुकी है। अब प्लेऑफ का घमासान इतना ज्यादा है कि किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। प्लेऑफ के नए समीकरण हर मुकाबले के बाद आते हैं और इसी बीच सुपर संडे को दो बड़े मुकाबले प्लेऑफ की रेस में करो या मरो के मुकाबले थे। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। आज चेन्नई की हार की उम्मीदें बहुत सी टीमें कर रही थी, लेकिन उलट फिर देखने को मिला। राजस्थान रॉयल को एक करारी शिकस्त चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों खानी पड़ी, जिसके बाद राजस्थान को करारा झटका तो चेन्नई के लिए बड़ी खुशखबरी आई थी। लेकिन चेन्नई की इस जीत ने काफी टीमों की नींद उड़ाई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद डबल हेडर का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच में, दूसरी भाषा में कहें तो ये एक तरह का नॉकआउट मुकाबला था। दोनों टीमों के हाथ में अपना भाग्य इस मुकाबले से तय होने वाला था। इस मुकाबले में आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हैं। 180 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट तो था नहीं, लेकिन दिल्ली कैपिटल इस टारगेट को पीछा करने में पावर प्ले में ही अपने चार विकेट गवा देती है और वहीं से तय हो जाता है कि यह मुकाबला कहां जाने वाला है। और उसी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अंतिम ओवरों में एक बहुत बड़ी जीत मिल जाती है। तो पहले चेन्नई की जीत, उसके बाद बेंगलुरु की जीत ने प्लेऑफ की रेस को हिला डाला है। इन दोनों के लिए तो बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन कैसे दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल, सनराइजर हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स की मुश्किलें बढ़ चुकी है। यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी हो रही है बाहर, किस टीम को जीतने होंगे, कितने मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, सब कुछ बताएंगे आपको इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं आपकी वो चार टीम जिसे आप प्लेऑफ में देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी चार टीमों का नाम जरूर बताइएगा, देखते हैं आपका प्रेडिक्शन कितना सटीक बैठता है। और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं प्लेऑफ के हालात। तो जी हां, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 12 में से 4 मुकाबले जीते, 8 हारे, 8 पॉइंट के साथ में सबसे आखिरी पायदान पर बने हुए हैं। क्या पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं? दरअसल ये ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी इनका अब प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बचे हुए दोनों मुकाबले ये जीत भी जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और वहां से प्लेऑफ के कोई समीकरण नहीं बचते। इसीलिए इनका ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है, एलिमिनेट का ठप्पा इनके ऊपर लग चुका है। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल के 9th पोजीशन की टीम यानी मुंबई इंडियंस के हैं। 13 में से 4 ही जीते हैं, 9 हारे हैं, 8 पॉइंट के साथ में ये टीम 9th पोजीशन पर है। इस साल ये टीम बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन गई थी। और इस वक्त भी अगर देखेंगे तो प्लेऑफ से इस टीम का कोई लेना देना नहीं है, ये टीम भी ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको तो एक ही मुकाबला खेलना है और अगर जीत भी जाते हैं तो 10 पॉइंट ही कर पाएंगे और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कोई समीकरण नहीं बनते हैं। खैर, पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 12 में से 5 जीते, 7 हारे, 10 पॉइंट के साथ में 8वें पायदान पर बने हुए हैं। क्या गुजरात यहां से प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं? तो जी हां, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस गुजरात टाइटंस के लिए अभी भी ऑन है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बचे भी अगर दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो ये 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। और हम आपको बता दें कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 16 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर 14 पॉइंट्स भी हासिल करते हैं तो अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाए तो उस केस में आपकी दावेदारी पेश हो सकती है। तो अगर गुजरात बचे हुए दोनों जीत जाते हैं तो 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से वो अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इनका एक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है और दूसरा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से है। तो दोनों जितने प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल, और अगर जीत भी जाते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में चली जाए तो गुजरात वैसे भी बाहर हो जाएगा, इसीलिए गुजरात बाहर होने के कगार पर है, मात्र औपचारिकता इनकी बाकी है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 12 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते, 6 हारे, 12 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर बने हुए हैं। दरअसल इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 2 मुकाबले अब भी खेलने हैं और अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो ये टीम बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बना सकती है।
उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? दरअसल दोनों मुकाबलों में से एक मुकाबला दिल्ली के खिलाफ और अंतिम मुकाबला मुंबई के खिलाफ खेला जाना है, तो दोनों मुकाबले बड़े मुकाबले हैं। ऐसा नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों नहीं जीत सकती, जीत सकती है, और अगर ऐसा कर गए तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे 16 पॉइंट के साथ में। पॉइंट्स टेबल में सिक्स पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 13 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे, 12 पॉइंट के साथ में सिक्स पोजीशन पर आ गए हैं। और दिल्ली कैपिटल को रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से जब हार का सामना करना पड़ा तो इनकी भी अब प्लेऑफ की उम्मीदें टूटती हुई नजर आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत थी और एफएसआर वो कर नहीं सके। लेकिन अब अगर अंतिम मुकाबला जो दिल्ली को खेलना है अगर वो जीत जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया 14 पॉइंट्स तक आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बना सकते हैं, जहां अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाती है तो आपकी दावेदारी पेश हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। लेकिन 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में जगह बना गई तो आपके 14 पॉइंट भी काम आएंगे नहीं। फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर आ गए हैं और दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मिली बहुत बड़ी जीत से उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये टीम अब प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। दरअसल जैसे हमने कहा कि इनका एक अंतिम मुकाबला है और अगर वो जीतती है तो ये टीम भी ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है। और वहां से आप जगह बनाएंगे या नहीं, या आप नहीं, दूसरी टीमें तय करेगी। अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में समीकरण बनते हैं तो आपकी वहां दावेदारी पेश हो सकती है। उसके लिए अंतिम मुकाबला जीतना होगा और इनका अंतिम मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है, तो चेन्नई भी उस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाना चाहेगी। तो मुकाबला तो बहुत बड़ा है, देखने वाली बात आरसीबी वहां कैसा परफॉर्मेंस करती है। अगर जीत भी जाती है तो कोई गारंटी तो नहीं ना कि 14 पॉइंट के साथ में आप जगह बनाएंगे ही बनाएंगे। वहां आप ये उम्मीद करेंगे कि वो चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाए, जिसमें आप चेन्नई की हार की उम्मीद करेंगे, आप हैदराबाद की हार की उम्मीद कर सकते हैं, आप लखनऊ सुपर जायंट्स की हार की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तीनों लगातार हारेंगे तब जाके एक चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाएगी, जिस केस में आप आरसीबी आगे जा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता भी नहीं है। पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 12 में से 7 मुकाबले जीते, 5 हारे, 14 पॉइंट के साथ में ये चौथे पायदान पर बने हुए हैं। सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 2 मुकाबले अभी भी खेलने हैं और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 2 में से 1 मुकाबला जीतना है। वैसे तो हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम के लिए 2 में से 1 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्होंने इस साल कुछ ऐसा खेल दिखाया है। बाकी अगर देखा जाए तो गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ हैदराबाद के मैच है, जहां इन दोनों पर भी हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आता है। इसलिए आप कह सकते हैं हैदराबाद प्लेऑफ की रेस में जगह बनाने में काफी आगे हैं, या यूं कहें तो जहां से ये प्लेऑफ में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं, 2 में से 1 कोई बड़ी बात हैदराबाद के लिए नहीं है। खैर, पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम अब चेन्नई सुपर किंग्स का आ गया है। जी हां, एक बहुत बड़ी जीत राजस्थान के खिलाफ इन्हें तीसरे पायदान पर ले आई है, जहां 13 में से 7 जीते, 6 हारे, 14 पॉइंट के साथ में ये टीम तीसरे पायदान पर है। जैसा हमने कहा कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत रहती है, तो अगर जो चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जगह बनाना चाहते हैं तो अपना अंतिम मुकाबला करो या मरो का है। यानी अगर वो जीत जाते हैं तो वो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे, और अगर हार गए तो 14 पॉइंट के साथ में कोई गारंटी नहीं कि आप जगह बनाएंगे या नहीं। इसीलिए अगर वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होकर जगह बनाना चाहते हैं तो 16 पॉइंट पर आपको टिक लगाना होगा। और इनका अंतिम मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। जी हाँ, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो इन दिनों काफी शानदार खेल दिखा रही है। तो देखने वाली बात क्या करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स अंतिम मुकाबला जीत पाएंगे या नहीं। आरसीबी से इनका एक बहुत बड़ा नॉकआउट मुकाबला होगा। खैर, पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 12 में से 8 जीते, 4 हारे, 16 पॉइंट के साथ में ये दूसरे पायदान पर है और राजस्थान को चेन्नई के खिलाफ एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इनके लिए भी बहुत अच्छे समीकरण ये है कि इन्होंने शुरुआत में इतने ज्यादा मुकाबले जीते कि ये 16 पॉइंट हासिल कर चुके हैं और यहाँ से ये बाहर तो नहीं हो सकते। लगभग दूसरी भाषा में कहें तो ये प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं, मात्र ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। और अगर राजस्थान अब यहाँ से एक भी मुकाबला नहीं जीते तो भी इनकी जगह तो पक्की ही रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 16 पॉइंट के साथ में अभी तक कोई ऐसी टीम है नहीं जो बाहर हो गई हो। इसीलिए राजस्थान खुद को सेफ समझे। हाँ, लेकिन अलग बात है कि बच्चे 2 में से अगर 1-2 जीत जाते हैं तो खुद को पहले और दूसरे पायदान पर खत्म करें, ताकि एलिमिनेटर के मुकाबलों में मौका मिल सके 2 बार। तो खैर, पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। ऑफिशियल ऐलान, क्वालिफाई करने वाली वो पहली टीम,
12 में से 9 जीते, 18 पॉइंट मिल चुके हैं और वो ऑफिशियल ऐलान हो चुका है ये क्वालिफाई कर चुके हैं। अब कोलकाता के लिए एक अच्छी बात ये भी है ना कि ये पहला और दूसरे पायदान पर खत्म करेगी, इस बात की तो सेफ्टी हो गई है। अगर ऐसा है तो फिर क्वालिफायर राउंड में इन्हें मौका मिल जाएगा और जहां इन्हें दो चांसेस मिलेंगे। तो खैर कोलकाता की जगह पक्की है, राजस्थान भी जगह बना चुके हैं, मात्र ऑफिशियल ऐलान बाकी है। चेन्नई और हैदराबाद उस रेस में काफी आगे हैं, बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ चुकी है, जहां लखनऊ भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे।